गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको सिलाई के प्रैक्टिकल्स करवा रही हूँ। और उसी के कंटिन्यूएशन में जो पिछली बार मैंने आपको एम्ब्रॉयडरी के कुछ सैंपल्स बनाने के लिए बताए थे, उन्हीं में कुछ दो स्टिच जो हैं वो एक बुलियन स्टिच और एक ब्लैंकेट यानी बटन होल स्टिच जो है वो बतानी रह गई थी। वो आप देखें कि अगर हम जो ब्लैंकेट स्टिच है उसके लिए अगर इस तरह का कोई फूल है, बड़ा सा फूल है, तो उसके लिए यहाँ से हम शुरू करेंगे और जैसे ब्लैंकेट के किनारे पे करते हैं काज, हम इसको बटन होल भी बोलते हैं, काज स्टिच भी बोलते हैं और ब्लैंकेट स्टिच भी बोलते हैं। इसको पास पास में लेते जाएंगे इस तरह से, थोड़ा थोड़ा पास पास में, जैसे काज बनाते हैं काज में बहुत पास पास में लेते हैं और इसमें थोड़ा सा दूर, क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी है इसलिए हम इसको थोड़ा सा दूर लेंगे। और जो हमारे फूल या पत्ती का शेप होता है उसी अनुसार हम इसको घुमाते रहते हैं। जैसे जैसे हम घुमाएंगे तो इसमें जो पत्ती की जो गोलाईपन है वो ये ले लेगा, ये इस तरह से, इस तरह से। अगर आप ये गोल लेंगे तो उस जगह थोड़ा सा दूर ले लेंगे और ये थोड़ा सा पास आ जाएगा इस तरह से। और इसका शेप बनाने के लिए थोड़ा सा आगे पीछे इसको लेना पड़ेगा, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जितना ऊपर इसका शेप हो उतना का उतना ही हमको नीचे लेना है। अब ये जो है ग्रूव आ गया, मतलब एक धचका टाइप आ गया। और अब हम वापस से पत्ती का शेप वापस से ऊपर को बढ़ाएंगे तो इस तरह से ले सकते हैं, इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। अब ये आप पूरी पत्ती आराम से आप बनाकर और पूरा आप एक सैंपल बना सकते हैं। ये मैंने एक थोड़ा सा आपको बना के बता दिया और उसके बाद में मैं आपको बुलियन स्टिच के बारे में बताऊंगी। ये बार बार मैं फंसे जा रहा है इसलिए इसको अब यहीं ख़त्म करते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए इस तरह से ये बन गया, ठीक है। अब अगर हम ये देखेंगे कि मैं बुलियन स्टिच जो है वो कैसे बनती है, बुलियन स्टिच यानी रोज़ वाली स्टिच, जो रोज़ होते हैं मतलब गुलाब जो होते हैं। अगर मान लो आपने गुलाब बनाना है, ये निकाला धागा और इसी जगह जहाँ से धागा निकला उसी के पास में ये देखो बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे निकाला, इसको अपन को पकड़ के रखना है इस हाथ से, इस अंगूठे से, और फिर इस उंगली से इस तरह से करके 1 2 3 4, मतलब जो बिल्कुल बीच की पत्ती होती है उसके लिए 4 या 5, और इनको पकड़ लेना है, ये वाला जो हिस्सा है इसको पकड़ लेना है, पकड़ के और ये सुई निकाल लेनी है। तो ये इस तरह का हो गया और वापस से हम निकाल लेंगे ऐसे, तो ये गोल गोल हो गया, जहाँ से निकला वापस से हम इस सुई को वहीं निकालेंगे। और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा बड़ी पत्ती बनाना चाहते हैं तो खूब सारे बलेटे हम ले सकते हैं, खूब सारे लपेटे हम ले सकते हैं, लेकिन आप इनको थोड़ा सा ढीला लेंगे क्योंकि ये एकदम से फिर निकल नहीं पाएगा, तो इसको हम ढीला छोड़ देंगे थोड़ा सा और पकड़ के रखेंगे और इस तरह से लेंगे। तो ये जो गोल गोल बना जो अभी, इसको हम पहले वाली पत्ती के चारों तरफ ले लेंगे और फिर इसको स्टिक कर देंगे, मतलब इसको दबाना तो पड़ेगा नहीं तो वो खुला रह जाएगा,
तो इसको हम ये दबा दिया, ठीक है। फिर जहाँ से वापस से जो ये हुआ, इस जगह वापस से आप इसको पकड़ के और वापस से इसको गोल गोल कर सकते हैं। जितने भी लपेटे लेने हैं हम ले सकते हैं और वापस से इस साइड ले लेंगे, इस साइड। तो इस तरह से आप देखो कि एक फूल जैसा बन रहा है, फूल जैसा बन रहा है ना। अच्छा, ऐसे ही अगर ये चाहें अपन कि जैसे नॉट स्टिच मैंने पिछली बार भी बताई थी, अभी मैं वापस बता दूं, क्योंकि बुलियन जो होती है सेम वैसी ही होती है। इसी जगह से वापस निकाला, ठीक है, जैसे बुलियन स्टिच बनाते हैं वैसे ही एक और दो, बस दो लपेटे किए और दो लपेटे के बाद में हम इसको खींच लेंगे और खींचने के बाद में हम इसको नीचे डाल देंगे तो ये एक नॉट, एक गांठ बन जाती है। वापस से बता रही हूँ, इसी जगह लिया, थोड़े धागे को सुलझा के रखेंगे तो जल्दी बनेगा। ये दो बार लपेटे लिए, लपेटे को पकड़ा, इसको खींचा और वापस से नीचे ले गए, ये दूसरी गठान, ठीक है। तो इस तरह से ये दो स्टिच हो गई। अब इसी में मैंने आपको पिछली बार भी कई सारे बताए हैं, है ना, तो अब मैं इसको फाइनली आपको सारे बता देती हूँ कि कौन कौन सी हमको स्टिचेस बनानी है। हमको लेजी डेजी बनानी है, पोला टांका, है ना। तो ये आपके लिए मैंने तैयार किया, ये वाला, ये जो है ये मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो कुछ ऐसा, मतलब जैसे दो फूल और पत्ती, कुछ इस तरह से आप बना लेंगे, जैसे ये दो फूल हैं इस तरह से और यहाँ यहाँ पत्तियाँ हैं, या फिर यूं 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 करके और यहाँ कोई पत्ती इस तरह से, ये तो ऐसे और इस तरह से कोई भी छोटा छोटा सा आगे आगे जा रहा है कुछ, तो छोटे छोटे से सैंपल्स करके और दो या तीन रुमाल में कर लेंगे। तो अब मैं आपको शुरू से बता रही हूँ, जैसे लेजी डेजी स्टिच जो है वो आप इसमें देखेंगे, जो ये पोला टांका है ये मरून वाला लेजी डेजी, दूसरा वाला है स्टेम स्टिच। स्टेम स्टिच जो है वो इसमें ये वाली है, ये हरी वाली, ये जो हरी वाली है बिल्कुल स्टेम स्टिच। फिर सैटिन, मतलब भरवा, भरवा स्टिच जो है वो ये दो पत्तियाँ, ये दो पत्तियाँ हैं, ये भरवा हो जाएगी। उसके बाद में नॉट स्टिच, नॉट जो है वो इसके अंदर ये नॉट लगे हुए हैं। उसके बाद में है हेरिंग बोन, हेरिंग बोन जो है वो हमने इस जगह बना रखी है, ये हेरिंग बोन स्टिच हो गई। फिर है चेन स्टिच, चेन स्टिच जो है वो ये वाली हो गई, ये नीले नीले में, ये वाली नीले नीले में। फिर ये वाली फ्लाई स्टिच हो गई, सॉरी फेदर स्टिच हो गई, ये फ्लाई स्टिच हो गई और ये बुलियन स्टिच हो गई। जो अभी मैंने फूल बताया था ना वो इस तरह का बनेगा, बुलियन स्टिच। और फिर जो अभी थोड़ी देर पहले और बताया था वो ये ब्लैंकेट, मतलब बटन होल स्टिच। तो 10 तरह की स्टिच हो गई। आप देखेंगे एक फ्लाई स्टिच, फेदर दो, हेरिंग बोन तीन, चेन चार, स्टेम पाँच, भरमा साटन छः, लेजी डेजी सात, बुलियन आठ, नॉट नौ और चारों तरफ ब्लैंकेट 10। इस तरह से ये एम्ब्रॉयडरी के 10 एम्ब्रॉयडरी ही आप बना लेंगे तो काफ़ी है। उसके बाद में जब एडवांस होगा कोर्स, उसमें हम और ज़्यादा एम्ब्रॉयडरीज आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब जो आपके प्री रिक्विजिट्स थे वो करीब करीब पूरे हो गए, आपको सिलाई मशीन आ गई, आपको उपकरण आ गए, सारे बेसिक स्टिचेस आ गई, एम्ब्रॉयडरी आ गई। अब हम आपको जो गारमेंट्स हैं, झबले वगैरह, वो बनाना